नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे संस्कार चैनल में। दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 2025 में अहोई अष्टमी की दिन और तारीख क्या है, अहोई अष्टमी का महत्व क्या है और अहोई अष्टमी के व्रत और कथा के बारे में, तारे देखने का टाइम, चंद्रमा के उदय का समय, अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अहोई माता या देवी अहोई को समर्पित भारतीय पर्व को अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से उत्तर भारत में कार्तिक मास के अंधेरे पखवाड़े अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व करवा चौथ के 4 दिन बाद तथा दीपावली के 8 दिन पूर्व मनाया जाता है। यद्यपि गुजरात तथा महाराष्ट्र में प्रचलित अमानता पंचांग के अनुसार यह पर्व अश्विन मास में मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का महत्व। दोस्तों, अहोई अष्टमी के पर्व पर माताएं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए अहोई माता व्रत रखती हैं। परंपरागत रूप में यह व्रत केवल पुत्रों के लिए रखा जाता था, परंतु अपनी सभी संतानों के कल्याण के लिए आजकल यह व्रत रखा जाता है। माताएं बहुत उत्साह से अहोई माता की पूजा करती हैं तथा अपनी संतानों की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। तारों अथवा चंद्रमा के दर्शन तथा पूजा करने के बाद व्रत समाप्त किया जाता है। दोस्तों, यह व्रत संतानहीन युगल के लिए महत्वपूर्ण है अथवा जो महिलाएं गर्भधारण में असमर्थ रहती हैं अथवा जिन महिलाओं का गर्भपात हो गया हो उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अहोई माता व्रत करना चाहिए। इसी कारण से इस दिन को कृष्णा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा के राधा कुंड में इस दिन बड़ी संख्या में युगल तथा श्रद्धालु पावन स्नान करने आते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, इस पर्व को मनाने की कथा है कि एक महिला के 7 पुत्र थे। एक दिन वह मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई। मिट्टी खोदते समय अनजाने में सेही के बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके कारण सेही ने उस महिला को श्राप दिया। इसके बाद कुछ सालों के भीतर उस महिला के सभी 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह सेही द्वारा दिए गए श्राप का परिणाम है। अपने पुत्रों को वापस पाने के लिए उसने अहोई माता की पूजा कर 6 दिन का उपवास रखा। माता उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गई और उसे 7 पुत्र पुनः प्रदान कर दिए। अहोई अष्टमी व्रत विधान। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के समान है। अंतर केवल इतना है कि करवा चौथ व्रत पति के लिए रखा जाता है, वही अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं अथवा महिलाएं सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान करने के बाद अपनी संतानों की दीर्घ आयु तथा मंगलमय जीवन के लिए व्रत पूरी श्रद्धा से पूर्ण करने का संकल्प लेती हैं। संकल्प के अनुसार माताओं को बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत करना होता है तथा इसका समापन चंद्र अथवा तारों के दर्शन के बाद करना होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा विधि। दोस्तों, अहोई अष्टमी पूजा की तैयारियां सूर्यास्त से पूर्व संपन्न करनी होती हैं। सर्वप्रथम दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। अहोई माता के चित्र में अष्टमी तिथि होने के कारण 8 कोने अथवा अष्टकोष्ठक होने चाहिए। सेही अथवा उसके बच्चे का चित्र में अंकित किया जाना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर माता अहोई के चित्र के बाई तरफ पानी से भरा पवित्र कलश रखा जाना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मोली बांधी जाती है। इसके बाद अहोई माता को पूरी, हलवा तथा पुआ युक्त पका हुआ भोजन, जिसे वायन भी कहा जाता है, अर्पित किया जाना चाहिए। अनाज जैसे ज्वार अथवा कच्चा भोजन भी माँ को पूजा में अर्पित किया जाना चाहिए। परिवार की सबसे बड़ी महिला परिवार की सभी महिलाओं को अहोई अष्टमी व्रत कथा का वाचन करती हैं। कथा सुनते समय सभी महिलाओं को अनाज के साथ दाने अपने हाथ में रखने चाहिए। पूजा के अंत में अहोई अष्टमी आरती की जाती है। दोस्तों, कुछ समुदायों में चांदी की अहोई माता, जिसे स्याऊ भी कहते हैं,
बनाई पूजी जाती है। पूजा के बाद इसे चांदी के दो मनकों के साथ धागे में गूंथकर गले में माला की तरह पहना जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पवित्र कलश में से चंद्रमा अथवा तारों को अर्घ देती हैं। तारों के दर्शन से अथवा चंद्रोदय के पश्चात अहोई माता का व्रत संपन्न होता है। दोस्तों आइए जानते हैं अहोई अष्टमी 2025 की दिन और तारीख कब है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि वर्ष 2025 में 13 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर 2025 में शाम को 5:40 से शाम को 6:54 तक है। इस प्रकार से पूजा की अवधि 1 घंटा 15 मिनट की होगी। तारे देखने का समय शाम 6:03 है और चंद्रमा के उदय का समय रात 11:09 है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।